नमस्कार दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ा दिए थे आपको आसवन विधि के बारे में कि आसवन जल क्या होता है। आज हम इसमें जानेंगे जल के अन्य प्रकारों में। सबसे पहले पढ़ेंगे मृदु जल के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदु जल क्या होता है? देखिए, मृदु जल मतलब ऐसा जल जो कि पीने के योग्य हो। जैसे घर में जो भी पानी आपके पास आता है पीने के लिए, नहाने के लिए या अन्य काम करने के लिए, वो जल क्या होता है? आपका मृदु जल होता है। इसे अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाटर के नाम से जानते हैं इसको। सूत्र क्या होता है इसमें? यदि हम जल के साथ में, अब बताओ मुझे H2O अकेला क्या होता है? केवल H2O। कल मैंने बताया था पिछली क्लास में कि H2O मतलब क्या होता है? केवल आशुद्ध जल, डिस्टिलेट वाटर। यदि हम H2O में कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, इन अलग अलग परमाणु के तत्वों को क्या कर दें, इसमें मिला दें, जिससे क्या आ जाए, इसमें हल्का सा स्वाद आ जाए पीने के लायक। मतलब जब हम आशुद्ध जल में कुछ अलग अलग खनिज पदार्थों को लेकर लें और उसमें जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? मृदु जल मतलब सॉफ्ट वाटर प्राप्त होता है। अब ये क्या करता है? ये इतना सरल होता है कि ये जल के साथ में, साबुन के साथ में ये वाला जल क्या करता है? आसानी से झाग देता है। ये देखो, साबुन के साथ में क्या करता है? झाग देता है। जब भी हम क्या करें, कोई भी आप पानी लो, आप पता कर रहा हूं आपको, नॉर्मली यदि किसी भी यंत्र की सहायता से नॉर्मली आप जाना चाहते हो बस घर पे ही, कुछ आपको खर्च नहीं करना कि कौन सा वाटर कैसा है, तो आप साबुन लीजिए, उसमें पानी को घोल दीजिए। देखिए, यदि आप आशुद्ध जल जाना चाहते हो तो मैंने बताया आपको जो बॉटल्स वगैरह में आता है, बैटरी वगैरह में होगी आपका क्या आशुद्ध जल हो गया, आसानी से पहचान जाओ दोस्तों। यदि आप मैं आपसे कहूँ मृदु जल क्या होता है, तो आप साबुन लो, साबुन को पानी में डाल दो, यदि वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको झाग दे रही है, फैन कर रही है बहुत ज्यादा, मतलब स्किन पे साबुन लगाने को फैन कर जा रही है, कई बार हम देखा होगा साबुन जो आती है बहुत ज्यादा फैन करती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका मृदु जल हो जाएगा। यदि मान लो आप पानी लो और उसे बिल्कुल झागना है, बहुत कम मात्रा में झागा है, तो वो कौन सा होता है? आपका कठोर जल होता है, मतलब हैवी वाटर होता है। सभी हैवी नहीं क्या बोलते हैं आपको, कठोर, हार्ड वाटर बोलते हैं आपको, ठीक है, कठोर जल कहते हैं। तो देखो ये क्या होता है, साबुन के साथ झाग नहीं देता है सभी, ठीक है। अब इसके स्रोत क्या होता है? स्रोत क्या हो जाएगा? नलकूप, मतलब क्या बोलते हैं, नल वगैरह जितने भी नल, ट्यूबवेल वगैरह, वो सब नदी, और क्या हो जाएंगे आपके इसमें कुएं वगैरह इत्यादि सब चीज इसमें। चलिए अब जानते हैं हम कठोर जल के बारे में। देखिए यहाँ पे कठोर जल क्या होता है हमारा? कठोर जल का मतलब क्या होता है? एक ऐसे इस प्रकार का जल ले लीजिए आप, बहुत ज्यादा क्या होता है, पानी के साथ में झाग, मतलब साबुन के साथ में झाग, जो आसानी से नहीं देता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कठोर जल का स्रोत क्या होता है, जितने भी नदी तालाब होते हैं, समुद्र हुआ या नलकूप, नलकूप मतलब नल वगैरह, कहीं भी आपने देखा होगा यदि पानी के साथ में हल्की सी कीट की मात्रा आ रही, कीट, कीट मतलब क्या होता है, पीला पीला पदार्थ, पीले पीला पीला क्या होता है, ये पीले पीले कण होते हैं, आपने देखा होगा कई बार पानी जब नल से निकलता है कई बार, तो उसमें हल्की से पतले पतले बारीक बारीक कण होते हैं, छान के निकाला जाता है, आपको देख सकते हो, तो वही जो पीले पीले कण होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये पानी कैसा है, आपका कठोर पानी है, तो स्पष्ट रूप से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि जल में उपस्थित अत्यधिक अशुद्ध कण, मतलब यही कण थे पीले पीले, यदि हम जल में बहुत ज्यादा मात्रा में अशुद्ध कणों को मिला दें तो हमेशा क्या बनता है, आपका कठोर जल प्राप्त होता है। और देखिए इसमें क्या लगा, ये हो गया आपका जल मतलब H2O, और इसमें अपन ने क्या मिला दिया, कैल्शियम या मैग्नीशियम। मतलब यदि आपसे फॉर्मूला पूछा जाए कि कठोर जल का सूत्र क्या होगा, सामान्य तौर से फॉर्मूला क्या हो गया, जल में अशुद्ध कण, मतलब किसी भी जल में अपन यदि अशुद्ध कण की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाता है, अपना कठोर जल बन जाता है, सिंपल सी बात है। और यदि रासायनिक रूप से वो आपसे सूत्र पूछे इसका, यदि हम जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के कणों को मिला दें तो भी क्या बनता है, आपका कठोर जल प्राप्त होता है, ठीक है, तो याद रखना है इसमें। अब ये जल क्या होता है, आपका दो प्रकार से होता है, कठोर जल क्या होता है, आपका दो तरीके से पढ़ा जाता है इसमें, एक होता है अस्थायी जल मतलब टेम्परेरी वाटर, और दूसरा होता है स्थायी मतलब परमानेंट वाटर। अब देखिए अस्थायी जल का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का जल जिसमें कि ये जो इसके कण पाए जाए उनको हम आसानी से अलग कर दें,
या तो आप छान के अलग कर दो या उबाल के अलग कर दो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अस्थायी जल। मतलब किसी भी पानी में इस प्रकार के कण मिले हों जिनको निकालना आसान हो। आप आसानी से मतलब क्या लिखा है, अस्थायी। मतलब कोई व्यक्ति किसी घर में रह रहा है, अस्थायी रूप से रह रहा है, यदि खुद का बना लेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्थायी। देखो तो सेकंड यहाँ पे क्या लिखा है, स्थायी जल। ये क्या होता है, यदि जल में उपस्थित कण इतनी अधिक मात्रा में हो कि उनने उसमें अपना घर ही बना लिया हो, यदि आप उनको निकालने की निकालने की कोशिश करो तो निकालने में क्या आ जाए, कठिनाई आती है। तो अस्थायी जल में क्या होता है कि जो भी अशुद्ध कण होते हैं उनको अपन सरलता से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन स्थायी जल में इन कणों को बाहर निकालना बहुत कठिन होता है। अब देखिए क्या होगा, यदि हाइड्रोजन सॉरी यदि हम जल के सामने कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट ले लें, देखिए फॉर्मूले के बेस पे आपको क्या याद रखना परीक्षा की दृष्टि से, यदि हम जल के साथ में कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट लेते हैं तो वो क्या बनता है, आपका अस्थायी जल बनता है। और सिमिलर इसी के साथ में यदि जल के साथ में कैल्शियम या मैग्नीशियम का हम क्लोराइड ले लें या फिर उसका सल्फेट ले लें, क्या ले लें, या तो क्लोराइड ले लो आप या फिर सल्फेट, तो क्या बनता है, आपका स्थायी जल मतलब परमानेंट वाटर बन जाता है। और यदि जल के साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम अकेला मिला, या तो कैल्शियम मिल जाए या फिर क्या मिल जाए मैग्नीशियम, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कठोर जल कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे आप। देखिए आगे क्या होता है, कठोर जल क्या होता है, सामान्यतः साबुन के साथ में झाग बिल्कुल नहीं देता है। कई बार आपने देखा होगा घर में कि हम कपड़े धोने बैठते हैं या साबुन लगाते हो नहाने के लिए, तो क्या होता है जब साबुन लगाते हो तो फैट नहीं फैन नहीं करती है, कि आप साबुन लगाए जा रहे हो बार बार लगाए जा रहे हो शरीर पर, या फिर आपने किसी बर्तन में कपड़े धोने के लिए सबको घोल लिया है और घोले जा रहे हैं, उसमें फैन नहीं आ रहा, मतलब उसका जो झाग बनना चाहिए नहीं आ रहा, तो तुरंत आप समझ जाना दिमाग में कि ये कौन सा वाटर है, आपका कठोर जल है। जब उसमें झाग नहीं बनेगा तो जब झाग नहीं बनेगा तो जो भी आप कपड़ा उसमें डालेंगे साफ करने के लिए, तो उसमें से आपका जो भी गंदगी रहेगा मैला अगर रहेगा वो आसानी से साफ नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि कठोर जल से हमें या ना तो स्नान करना चाहिए ना ही कपड़ों को धोना चाहिए, क्योंकि तो इसमें क्या होता है ना तो साबुन झाग देगा ना ही आपका डिटर्जेंट झाग देता है, ठीक है। उसका कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आपने देखा होगा बचपन में, मैंने ये चीज बहुत ऑब्जर्व किया, कई बार हमें क्या होता था बचपन में सफेद बॉटल दी जाती थी, इसमें काट लो भैया चलिए आइए आप स्कूल चले जाइए और ये बॉटल आपको दे दी चले जाइए, गले में टांग लीजिए, एक्सरसाइज नहीं होता ये इस टाइप से रहता है, या गले में इसको टांग लीजिए एक मिनट सॉरी, ये बॉटल बना दी आपने, तो बोतल में जब पानी भरा होता है आपका, और जब हमने बचपन में ही कई बार देखा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता था पहले, क्योंकि तो समझ नहीं पाते थे क्या है ये चीज, जब भी व्हाइट बॉटल और सफेद बॉटल जो कि पारदर्शी होती है इसको आप देख सकते हो आप पर, उसमें पानी आप भर के ले जाए लगातार एक महीने तक स्कूल लेके गए, तो आपने क्या देखा, यदि आप उसको कंटिन्यू वॉश नहीं कर रहे, सफाई नहीं कर रहे उसकी, तो क्या होगा, ये बॉटल के नीचे यहाँ पे हल्का हल्का से क्या रहेगा, पीले पीले कण इकट्ठे जाते हैं, कि बॉटल का जब नई लेके आ गया तो बॉटल क्या थी, आपकी सफेद थी एकदम साफ सुथरी थी, लेकिन जब आप उसने पानी भरना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो गया, उसमें पीले पीले कण क्या हुआ उसमें आने लगे। इसका मतलब तुरंत समझ जाना है इसमें, यदि आपके पास बॉटल हो सफेद और उसमें यदि पीला पीला बनाने लगा आपका, तो कौन सी जल की उपस्थिति डाल रहा है आपको, कठोर जल, ठीक है। तो कठोर जल में हमने क्या जाना कि सबसे पहले इसमें हमने स्रोत पढ़ा, स्रोत क्या होता है, आप समुद्र से ले सकते हो, तालाब से या फिर नलकूपों से, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं आपके पीले पीले कण होते हैं, ये पीले कण क्या हो सकते हैं, यदि हम जल के साथ में मैग्नीशियम या फिर इसका मिला दें अपन क्लोरीन का सॉरी मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम का क्या मिला दें उसमें कण को मिला दें, तो क्या बन जाता है, हमारा कठोर जल बन जाता है। कठोर जल में ये क्या कहलाते हैं आपके, अशुद्ध कण कहलाते हैं। कठोर जल बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी, एक क्या होता है स्थायी। अस्थायी मतलब क्या होता है, यदि हम वाटर के साथ में कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट ले लेते हैं तो वह क्या होता है, आपका अस्थायी जल होता है, जिसमें से इन कठोर इनके जो अशुद्ध कण होते हैं उनको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका स्थायी जल आ जाए तो उसमें क्या होता है, या फिर उसका क्या होगा, ये क्लोराइड होगा या फिर क्या होगा सल्फेट, जिसमें से हम इनको आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते, तो इसमें हमें जाना कठोर जल चार प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, आपका भारी जल नाम क्या होता है, जिसमें हैवी वाटर कहते हैं इसमें। अब भारी मतलब ये नहीं कि वजन में बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि नाम से समझ में आता है कि इसमें बोल रहा है कि भारी जल, भारी जल का मतलब कतई ये नहीं पूछ सकते आप इसमें कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये
वजन में भारी होता है, लेकिन दूसरे तरीके से ये वही बात होती है। सामान्यतः यदि मैं आपसे कहूं मैंने लिखा है क्या H2O, इसका आप बताओ मुझे अणु भार कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो आप जानते हैं कि मैंने ये पहले कहा था कि वैल्यू होती है आपकी 18 के आसपास होती है। जल का अणु भार कितना होता है? 18 होता है। सामान्यतः होता क्या है वास्तविकता में कि जो आपका सामान्य जल होता है इसका अणु भार होता है 18, लेकिन जैसे हम भारी जल की बात करते हैं तो इसका अणु भार कितना हो जाता है? 20। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, एक अलग नाम से जानते हैं, टाइम में पढ़ते हैं, इसे अपन कहते हैं भारी जल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस भारी जल ये बेसिकली वो होता क्या है, इसको और जान लीजिए कि भारी जल क्या होता है। इसका जो निर्माण होता है सामान्यतः हाइड्रोजन के समस्थानिक से होता है। अब ये हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होते हैं ये अपन जानेंगे केमिस्ट्री में। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली तीन होते हैं इसमें, एक होता है प्रोटोनियम, दूसरा ड्यूटेरियम और थर्ड का ट्राइटेरियम। तो ये वाला कौन सा होता है आपका? ड्यूटेरियम वाला होता है D2O। मतलब समस्थानिक में ये चीजें होती हैं आपकी कि H11, H12, H13, मतलब जिनके परमाणु क्रमांक, ये वाली वैल्यू क्या होती है आपकी परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक नंबर। यदि आप कोई भी एलिमेंट को लिख रहे हो, कोई भी तत्व आप लिखो, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है, नंबर लिखा होता है, उसे कहते हैं अपन परमाणु क्रमांक। और यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है इसे कहते हैं उसका परमाणु का द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक मास कहते हैं। ये अब अपन बात कर रहे हैं समस्थानिक की, कि समस्थानिक क्या होता है। अपन ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक तीनों क्या है? समान है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक और यहाँ पर एक, लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान क्या हो गए? अलग अलग। तो ये तीनों चीजें क्या हुई? हाइड्रोजन के समस्थानिक हुए। ये वाला होता है प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये क्या होता है आपका? ट्राइटेरियम। तो इसमें जो भारी जल अपन उपयोग कर रहे हैं ये कौन सा है आपका? ये सेकंड वाला है, इसे अपन क्या बोलते हैं? D2O ड्यूटेरियम कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन के साथ में डी के कितने जुड़ेंगे आपके? दो अणु जुड़ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन? ड्यूटेरियम कहते हैं। अब देखिए इसकी खोज कैसे हुई थी। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? यूरे। इन्होंने क्या जाना कि जो अपने पास वाटर होता है H2O, जो वाटर होता है H2O, इन्हें अपने परीक्षण में क्या पाया, इसकी जब खोज की तो वैज्ञानिक का नाम क्या याद रखोगे आप? यूरे। तो इन्हें क्या पाया कि जब इन्हें 6000 लीटर पानी को लिया, पानी मतलब जल प्योर H2O जब उन्होंने पाया, तो इसमें उन्होंने क्या देखा कि 6000 लीटर जल की मात्रा में 1 लीटर किसकी मात्रा प्राप्त हुई हमको? D2O की। तो जल जैसे मान लो आप घर में आपके पास वाटर रखा है, आप ले लो कितना 6 लीटर पानी ले लो, 6 लीटर पानी, तो उसमें से क्या होगा? 1 लीटर क्या हो जाएगा? आपने लिया एक मग में ले लिया या किसी बर्तन में 6 लीटर जल ले लिया, तो उसमें आप क्या पाएंगे परीक्षण के माध्यम से, इसमें D2O की मात्रा कितनी होगी आपकी? 1 लीटर के बराबर। ये बात आपको इसमें याद रखना है। पेपर में जो पूछा जाता है इसका सबसे बेसिक चीज पूछी जाती है कि D2O को इसका नाम क्या होता है, तो याद रखना ड्यूटेरियम होता है। खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। कैसे प्राप्त किया इसको कि प्रति 6000 लीटर में से 1 लीटर किसकी मात्रा प्राप्त होगी? D2O की प्राप्त होगी। आगे देखिए D2O को इनका नाम क्या होता है? ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम। ठीक है, उसके बाद इसका अणु भार आपने जान लिया कितना होता है? 20 होता है, आपको ये याद रखना है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा यही है, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है और कई बार ये देखा जाता है परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि भारी जल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। या तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है आपका, या फिर पूछा जाता है कि नाभिकीय क्षेत्र, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो वहां पर किस जल का प्रयोग करते हैं अपन? मंदक के रूप में, मतलब न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। तो किसका उपयोग करते हैं अपन? यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए हम भारी जल का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये गति कैसे कम होती है, यहाँ पे लिखा है स्पीड का नाम क्या होता है? मंदन। अब बेसिक सी बात जानो, आप बहुत स्पीड में आप काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो पीछे से, ऐसे आप दौड़ रहे हो दिशा में, इस डायरेक्शन में आप दौड़ लगा रहे हो, और जो एयर है इसे आप ये दौड़ लगा रहे हो दिशा में, और एयर क्या है? वायु उधर से आ रही है दिशा में, तो क्या होगा आपकी गति में? अवरोध होगा कि नहीं होगा? आप क्या हो जाएंगे पहले की तुलना में थोड़ा चलना क्या कर देंगे, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी चलने में? कम हो जाएगी। बेसिक सी बात है। ऐसे ही क्या होता है, जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं जितने भी, जैसे आपने देखा होगा, एक फोटो दिखा देता हूं मैं आपको, नाभिकीय संयंत्र का फोटो, इस टाइप से आपने देखा होगा, ये पावर प्लांट्स होते हैं।
तो देखिए इनमें क्या होता है, नाभिकीय सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, एक रिएक्शन होती है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। अब ये नाभिकीय विखंडन क्या होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक क्या होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है, जब दो छोटे छोटे तत्व आपस में मिलकर एक बड़े तत्व का निर्माण करते हैं, और विखंडन का मतलब क्या होता है, जब एक भारी तत्व हो और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो उन्हीं क्या होती है, विखंडन होती है। सामान्य शब्दों में आप ऐसे जान सकते हो उस चीज को, ये क्या बोलते हैं, आप क्या एक बड़ा सा पत्थर है, आपने उसको दीवार में जोर से मार दिया तो क्या हो जाएगा, बड़ा पत्थर था कितने टुकड़ों में टूट गया, छोटे छोटे में, तो क्या हो जाएगा, वो विखंडन हो जाएगा। अब उन छोटे छोटे टुकड़ों को आप बीन के लिया और हाथ में इकट्ठा करके मुट्ठी बांध दो तो जुड़ जाएगा पूरा का पूरा, तो वो क्या होगा आपका नाभिकीय संलयन होता है। तो देखो नाभिकीय विखंडन मतलब तोड़ना चीजों को, एक भारी पत्थर है दीवार में हटके मारो तो टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है वैज्ञानिक दृष्टि से कि यूरेनियम 235 एक तत्व है आवर्त सारणी का, कि जब यूरेनियम 235 के ऊपर हम 3 न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, मतलब यूरेनियम 235 के साथ में जब हम 3 न्यूट्रॉन की रिएक्शन करवाते हैं तो ये तत्व क्या होता है, स्वतः ही क्या होता है, टूट लगता है छोटे छोटे तत्वों में और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकालता है, एनर्जी क्रिएट करता बहुत ज्यादा, और इस एनर्जी का उपयोग बिजली को बनाने में किया जाता है। तो देखो क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते आप इसको, कितनी ज्यादा होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए इन न्यूट्रॉन की मात्रा को कम करने के लिए किसका यूज कर लेते हैं, ये हैवी वाटर का, क्योंकि ये इसका नाम ही है, ये क्या करता है उसकी गति को कम कर देता है, जिससे कि एनर्जी हमको जितनी मात्रा में चाहिए उतनी प्राप्त होगी। तो क्या होगा, एनर्जी एक बार स्टार्ट होगा इतना क्या हम उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक पाते। तो ये एक विधि होती है रोकने के लिए। उसमें आपको याद रखना है परीक्षा के लिए कि जो हैवी वाटर होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अपन न्यूक्लियर प्लांट्स में करते हैं, कहाँ करते हैं, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए करते हैं। जरा ध्यान से समझने के लिए बात में क्या कह रहा हूँ, जितने भी ये नाभिकीय संयंत्र होते हैं, क्या हम इन नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए हम जल का, नॉर्मल जल का प्रयोग कर सकते हैं क्या, सामान्य जल का प्रयोग, सामान्य जल मतलब कौन कौन सा आपका, या तो आसुत जल मतलब भारी जल को छोड़कर से सभी जल, इतना समझ सकते हो, और दूसरे क्या होता है आपका भारी जल, दोनों जल का उपयोग हो सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसे बताया था कि नाभिकीय संयंत्र में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए हम भारी जल का प्रयोग करते हैं, जिसे अपन कहते हैं मंदक के रूप में, ठीक है, मंदक के रूप में। अब देखिए होता क्या है, यदि हम सामान्य जल का प्रयोग इस भारी जल के स्थान पर करें, कि मैं कहूँ कि नाभिकीय संयंत्रों में हम सामान्य जल का प्रयोग करते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है इसमें इस तरह से होती है, ये मान लो क्या है आपके न्यूट्रॉन्स, छोटे छोटे क्या है आपके न्यूट्रॉन्स हैं। अब देखिए न्यूट्रॉन्स के माध्यम में इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा उसको बड़ा कर लेते हैं हल्का सा। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर डाल रहा हूँ पानी, ये क्या हो रहा है आपके पानी के अणु, थोड़ा उसको बड़ा कर लेते हैं हल्का सा। अब देखो क्या हो रहा है, इधर से पानी की मात्रा आ रही है, इधर से आप क्या जा रहे हैं न्यूट्रॉन, और यहां से ये क्या है आपका पानी आ रहा है, ठीक। यदि ये आपका भारी जल है तो भारी जल क्या काम करता है, इन न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है, अर्थात न्यूट्रॉन को समाप्त नहीं करता, मैंने ये नहीं कहा कि न्यूट्रॉन को खत्म कर देगा, इनकी गति को कर देगा, वो कम कर देगा। जैसे हम हवा में मतलब दौड़ रहे हैं सड़क पे, ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं, सामने से हवा आ गई, क्या वो हवा हमें खत्म कर देती है क्या, जब हम दौड़ रहे होते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम उड़ चले जाते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, अधिकांश तो ऐसा नहीं होता है ना, 90% के हिसाब से। तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रॉन उड़ रहे हैं, उड़ते रहे ऐसे, ठीक है, यहाँ से न्यूट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से ये आ रहा वाटर आ रहा है, इसने क्या कर दिया, इसकी गति को कम कर दिया। अब मान लो इस भारी जल के स्थान में अपन ने क्या लिया, सामान्य जल ले लिया। देखो सामान्य जल क्या करता है, जैसे ही मैं इसमें सामान्य जल को यहाँ फिल करूंगा डालूंगा, तो ये जल क्या करता है, इन न्यूट्रॉनों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं हमको दे दे, मतलब ये वाला पानी क्या करता है, इन न्यूट्रॉनों को अपने आप में अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम भारी जल का प्रयोग करते हैं जबकि सामान्य जल का प्रयोग इसमें नहीं करते। तो आपको ये बात याद रखना है इसमें नाभिकीय संयंत्र के रूप में, कि नाभिकीय संयंत्र में
मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं अपन, भारी जल का, आसुत जल या फिर कठोर जल का प्रयोग या सामान्य जल का क्यों नहीं करते, क्योंकि ये वाला जल क्या करता है, इन न्यूट्रॉनों को अपने अंदर पूरी तरीके से अवशोषित कर लेता है। हमें इन्हें अवशोषित नहीं करवाना है, हमें केवल इनकी गति को कम करना है, इनको रोक के रखना है कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे। ये तो इसको समाप्त करने भी खड़ा है, समाप्त नहीं करवाना है, उसको बस रोक के रखना है। ठीक है, बात याद रखोगे ये वाली, आपसे पहले था आपका कौन सा, आसुत जल डिस्टिलेट वाटर मतलब प्योर H2O, सेकंड था आपका मृदु जल मतलब यदि हम इस H2O में कैल्शियम क्लोरीन या मैग्नीशियम खनिज पदार्थों को मिलाते हैं, थर्ड क्या था आपका कठोर जल हार्ड वाटर, इसमें क्या था यदि हम H2O के साथ में कैल्शियम या मैग्नीशियम में से इन दोनों में से किसी एक को मिला दें तो क्या बन जाता है कठोर जल, और ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है अस्थाई टेम्परेरी और दूसरा क्या होता है स्थाई मतलब परमानेंट। अस्थाई क्या होता है कि इसके साथ में यदि हम इन दोनों के क्या मिला दें बाइकार्बोनेट, और इसका मतलब क्या होता है यदि हम इसमें से क्लोराइड या सल्फेट को मिला दें तो वो क्या बन जाता है आपका स्थाई बन जाता है। फोर्थ वाला क्या था आपका भारी जल, इसका निर्माण कैसे होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक से, हाइड्रोजन के समस्थानिकों से आइसोटॉप बनते हैं इसको, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है B2O। ठीक है, तो ये चारों बातें हमने इसमें याद रखना है परीक्षा के दृष्टि से, उपयोग भी मैंने आपको सबके बता दिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे अपन और अच्छे से जानेंगे चीजों को।